Okay, so I have started the recording now. थैंक यू सर। अच्छा तो बेटा अब ये अंडरस्टूड है कि एन की वैल्यू जो है वो इस तरीके से इंटीजर्स आएंगी -3 -2 -1 क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है और ये कॉन्टिन्यूस टाइम में टाइम है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो बहुत सारी इक्वेशंस में जब हम सिग्नल लिखते हैं तो टी की कुछ कंडीशंस मेंशन होती हैं, कुछ एन की होती हैं, तो आपने उन कंडीशंस के मुताबिक से इनको ड्रॉ करना है। अगर कोई कंडीशन नहीं मेंशन तो अंडरस्टूड है कि यार ये डी की वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू इसका है। अब हैविंग सेड दैट, जब भी आपने ड्रॉ करना है अगर तो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है तो अंडरस्टूड सी बात है कि यार सिग्नल कुछ इस तरह की चीज बनेगी, कॉन्टिन्यूस फ्लो बनेगा। और अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो देन ये सिग्नल डिस्क्रीट टाइम में बनाना बिल्कुल हमाकत है। डिस्क्रीट टाइम में आपके पास जो है हमेशा सैंपल्स आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सैंपल्स बनाते हो मोस्टली क्वेश्चन में जो कि शो करते हैं कि डिस्क्रीट टाइम के ऊपर जो डिस्क्रीट वैल्यू के ऊपर आपका जो सिग्नल है वो मौजूद है। तो पहली बेसिक गलती जो हम करते हैं ना प्लॉटिंग के अंदर वो ये करते हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया होता है और हम इस तरह का एक कॉन्टिन्यूस फ्लो बना देते हैं विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, या कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल दिया होता है और हम किसी वजह से हम डिस्क्रीट टाइम इसी के सैंपल्स बना देते हैं विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि कोई भी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी सिग्नल डिफाइन किया जाता है इस तरीके से मसलन एक्स ऑफ टी। अब इसके अंदर एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिफाइन कर देता हूँ एक एक्स ऑफ एन, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स सिग्नल की वैल्यू है उसके ऊपर ना। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन लेंगे ताकि अगर किसी को कोई एम्बिग्यूटी है तो वो उसको पूछे और चीजें जो है वो थोड़ी क्लियर हो। अच्छा, मैं आपके सामने वो प्रॉब्लम्स रख रहा हूँ जो कि हम यूजली देते हैं, देने से मुराद ये जो कि हमने पिछले सेशन में यूज किए हैं स्टूडेंट्स के लिए असेसमेंट के अंदर, तो आपको आइडिया हो कि किस तरह की चीज आ सकती है। तो ये पहला सिग्नल है आपके पास, ये तमाम लोग अपने पास लिख लें और इसको हम ड्रॉ करेंगे। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2 0, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और अदरवाइज, ठीक है। ये पहला सिग्नल है जिसको हम अभी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो माई सिग्नल इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2 और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड 0 अदरवाइज। तो तमाम साथी जो है वो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें सिग्नल और मुझे बताएं क्या है चीज बनती। सर 5 2 आएगा आंसर, 2 पर आएगा। सो वेरी सिंपल, जब भी आपने सिग्नल की प्लॉटिंग करनी है आपने सबसे पहले एक्सिस को प्रॉपरली लेबल करना है, वैसे ये टाइम एक्सिस है और यहाँ पे आपने लिखना है एक्स ऑफ टी। फिर आपने ये देखना है कि क्या कोई कंडीशन तो नहीं है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पे कंडीशन है कि टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार लेट सपोज कि 5 यहाँ स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद अब ये सिग्नल की वैल्यू है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, ठीक है। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2, मतलब टी ग्रेटर देन 5 पे, यानी कि इस रीजन में पूरे में, यानी कि कौन सा रीजन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑनवर्ड, इस पूरे टी ग्रेटर देन 5 के लिए मेरे सिग्नल की वैल्यू 2 है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ अपने लिए, लेट्स से दिस इज 2, तो माय सिग्नल इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना 2, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी और वो हम इस तरीके से लिख के आगे डॉट डाल देंगे डालना चाहते हैं, अदरवाइज अंडरस्टूड सी बात है कि यार ये कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये कि जनरली जो हम सिग्नल को ड्रॉ करते हैं वी ड्रॉ द सिग्नल ओनली फॉर द वैल्यूज, मतलब अब मुझे यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मुझे ये लाइन डालने की एसेंशियली जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई डालना चाहता भी है तो कोई वरिश नहीं है। इसका मतलब है कि बाकी तमाम पे 0, अगर मैंने ये नहीं भी ड्रॉ किया तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू 0 थी। इसी तरीके से कुछ लोग यहाँ पे इसको मिलाते हैं विच इज ऑल्सो फाइन, अगर आप मिलाना चाहें, अदरवाइज अगर किसी ने इस तरीके से भी ड्रॉ किया दैट इज फाइन, और अगर कोई इस तरीके से भी ड्रॉ करता है, अगर ये चीज ड्रॉ करता है तो दैट इज ऑल्सो ओके, बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो है इस तरीके से ड्रॉ किया करें और ये आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल ये चीज ड्रॉ करनी, ठीक है। ये सिग्नल हमने ड्रॉ कर लिया एक छोटा सा, अब हम दोबारा जाते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ और दूसरा वाला सिग्नल जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन अपने पास जल्दी से लिख लो, फिर मैं पूछूंगा, मुझे लिखवा देना वहां पे ये क्वेश्चन, लिखो वाई ऑफ एन जो भी इसकी लिमिट्स है ये लिख लो, फिर मुझे लिखवा देना कि क्या है।
सो गोइंग बैक वहां, सो मेरे पास जो सिग्नल जो मुझे ड्रॉ करना है दैट इज y ऑफ n इज इक्वल टू, हां भाई बताओ क्या था सर? 1 कोई एक बच्चा जल्दी से बता दे तो क्या था सिग्नल? n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पर 1 है. n is greater than equal to 0 and less than and equal to 2. less than equal to 2 pe kya hai? 1. aage n is greater than equal to minus 2 n is greater than equal to minus 2 and less than 0 less than 0 is pe kya hai? 2. 2 aage 0 otherwise 0 otherwise okay chalo अच्छा जी. अब ये बेटा उसी तरीके से आपके पास एक और सिग्नल है, आपने क्या करना है सबसे पहले आपने उसी तरीके से एक्सिस बनानी, सबसे पहले एक्सिस ये एन है और ये आपका सिग्नल है वाई ऑफ एन. उसके बाद आप लोग एन की कुछ वैल्यूज ड्रॉ कर लें. अब एन की वैल्यूज मैं अभी ड्रॉ कर लेता हूँ, 1, 2, 3 माइनस 1, -2, -3. अंडरस्टूड सी बात है कि एन की वैल्यू ये इस तरीके से. अब हम यहाँ से सिग्नल को रीड करते हैं. वो कहता है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इज जीरो और ग्रेटर देन जीरो एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इज टू और लेस देन टू, मतलब 0, 1, 2 तीन सैंपल आते हैं इसके अंदर, इसके इस रेंज में एन की वैल्यू आती है 0, 1 और 2. कहता है इन तीन वैल्यूज पे एन पे सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? 1 है. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एन इज इक्वल टू 0 पे सैंपल, n इज इक्वल टू 1 पे सैंपल और n इज इक्वल टू 2 पे सैंपल बनाऊंगा और उसका एम्पलीट्यूड मैं क्या लिखूंगा? 1. सैंपल वैल्यूज क्या है? 1 है, ठीक है. उसके बाद ये जो रेंज है n इज लेस देन, ये बेटा पूछें तो ये जो फर्स्ट वाले इसमें n लेस देन 2 तक है ना, तो जब इसमें मतलब लेस देन इक्वल देन 2 तो नहीं है, फिर हम 2 पे वैल्यू क्यों लेते हैं 1? बेटा लेस देन इक्वल टू 2 है, मैंने अपने प्रॉब्लम के अंदर लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ. अगर तो लेस देन 2 होता तो फिर ये 2 वाली वैल्यू आपने नहीं लेनी थी, लेकिन अभी जो मैंने प्रॉब्लम लिखी उसमें n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 n लेस देन इक्वल टू 2, तो इस वजह से मैंने 2 के ऊपर भी बनाया है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है. अब हम इस साइड पे आते हैं, यहाँ पे हम सैंपल्स की वैल्यूज देखते हैं. अब ये है n इज लेस देन 0, जिसका मतलब है कि n की वैल्यू 0 नहीं है, जो कि अभी हम ये स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. n is less than 0 and n is greater than equal to minus 2. तो इसका मतलब है कि n की दो वैल्यूज हैं, एक माइनस वन है और एक माइनस टू है, ठीक है. इन दोनों वैल्यूज के ऊपर मेरा जो सिग्नल है y of n उसकी वैल्यू क्या है? 2 है. तो बेटा जी माइनस वन के ऊपर एक सैंपल बनाए और एक माइनस टू के ऊपर सैंपल बनाए और वो लिखें उसके साथ यहाँ पे 2. या तो इस तरह लिख लें या यहाँ पे लेबल कर लेंगे ये 2 है और ये मेरे पास 1 है और बाकी फिर बेशक आप इनके साथ ना लिखें, ठीक है. तो दोनों तरीके हैं, या तो मैं हर सैंपल के साथ उसकी वैल्यू लिख दिया करूं या फिर मैं यहाँ पे सिंपल y एक्सिस को लेबल कर लूँ. तो ये आपके पास सिग्नल ड्रॉ हो चुके. अब जो बाकी वैल्यूज है तमाम 3 होगी, 4 होगी, -3, -4, उन सारों पे मेरे पास सिग्नल की वैल्यू जो है वो बेसिकली 0 है. सिग्नल की वैल्यू 0 और वो मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है ऑलरेडी कि बाकी तमाम वैल्यू 0 है. तो बेटा अगर कोई बच्चा यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर लेता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है. लेकिन ये एक अंडरस्टूड सी बात है, आप सिग्नल की वो वैल्यूज ड्रॉ करते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई एम्पलीट्यूड हो. 0 वैल्यू करते हम ड्रॉ नहीं करते. सो इस तरह से ये आप बेशक ना ड्रॉ करें, सिर्फ इसको ड्रॉ करने एंड दैट विल डू द जॉब. ओके लेट्स सी अच्छा ये लास्ट टाइम हम लोगों ने एक असाइनमेंट दी थी और मैंने बेसिकली लास्ट टाइम प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे कुछ बच्चों को करने के लिए, आप लोग वो करें. तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन वो देखते हैं जो कि आपके कोलीग्स जो लास्ट टाइम थे वो करते रहे हैं. तो लेट मी सी, अगर मैं इसी के ऊपर लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके मैं वहाँ पे जाके उस पर लिखूँ. ओके मैं वहीं पे लिख लेता हूँ यार.
ओके ये क्वेश्चन अपने पास नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये सारे लिख लो फिर मुझे लिखवा देना, ठीक है, बजाय इसके मैं बार बार इधर उधर करता रहूँ। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर आप लोग अपने पास जल्दी से लिख लें। मैंने यहाँ पे पिक कर ली है, क्वेश्चन बना रहा है इनपे फुल नॉट। जस्ट गिव मी अ मिनट ताकि मैं इसको सेट कर लूँ। ओके सो हियर आर इसको छोड़ दें, मेरे ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए थे, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दीज वन। सो क्वेश्चन नंबर वन, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो उसी तरीके से आपने सबसे पहले एक्सिस बनाने हैं एन एंड एक्स ऑफ एन, उसके बाद आप लोगों ने उसी तरीके से एन की वैल्यूज हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ 0, 1, 2, 3 -1, -2, -3। अब यहाँ पे सिग्नल देखते हैं, प्लॉट करते हैं जी। सबसे पहले एन इज इक्वल टू जीरो के ऊपर मेरे पास सिग्नल की वैल्यू क्या है, 1 है। एन इज इक्वल टू जीरो के ऊपर बेटा जी आप लोग सिग्नल की वैल्यू 1 जो है उसको ड्रॉ करें, ठीक है। एन इज इक्वल टू जीरो के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे 1 है, ठीक हो गया। तो उसके बाद n ग्रेटर देन जीरो, जिसका मतलब है ये वाला रीजन राइट हाफ प्लेन, कौन सा वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ठीक है। राइट हाफ प्लेन में n ग्रेटर देन जीरो है, आपके पास क्या वैल्यू है, a रेज टू पावर n, और a की क्या वैल्यू है, a की पावर है 2। तो बेसिकली ये सिग्नल क्या है, ये 2 रेज टू पावर n है। नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 1, तो द सिग्नल एम्पलीट्यूड इज 2। तो यहाँ पे मैं एक सैंपल बनाता हूँ 2 का। फिर जब n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास 2 रेज टू पावर 2 4 आएगा, तो मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ जिसका एम्पलीट्यूड 4 रखता हूँ। और उसके बाद जब n की वैल्यू 3 है तो मेरे पास 2 रेज टू पावर 3 8 आएगा, तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे एक और सैंपल बनाता हूँ और 8। एंड दिस इज नाउ माय राइजिंग ट्रेंड, ये मेरा राइजिंग ट्रेंड है जो कि बन जाता है, ठीक है। अब आगे चूंकि वैल्यू चल रही है तो मैं यहाँ पे 3 डॉट्स डालूंगा कि भाई सिग्नल 0 नहीं हुआ, सिग्नल इसी तरीके से आगे चल रहा है, लेकिन उसका ट्रेंड मैंने शो कर दिया है। 1, 2, 4, 8 चार सैंपल मैंने बना दिए। अब आप लोग बेटा इसी तरीके से, ये तो n ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने प्लॉट किया है ना, आप लोग जल्दी से n लेस देन 0 के लिए जो सिग्नल बनता है वो अपने पास प्लॉट कर लें और मुझे बताएं क्या है। सर वो -1 -2 होगा, -2 पे -4 होगा, -3 पे -8 होगा। ये एक दफा दोबारा देख लो सर, 1/2 आएगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड आएगा, -2 पे -4 आएगा। यस सर, -3 पे -8 आएगा। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि -1 के ऊपर सिग्नल की वैल्यू क्या आएगी, 2 सर, 1/2 आएगी, 1/2 आएगी सर, 1/2 आएगी। अच्छा अब यहाँ पे मेरे ध्यान से पास सुनो, ये वो गलती है जो तुम लोग करते हो और जो तुम आइंदा भी करोगे। ये कंडीशन है किसकी, n की, n लेस देन 0, ठीक है। मेरे पास जो सिग्नल है वो है एक्स एन इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस एन, ये मेरा सिग्नल है इररिस्पेक्टिव यहाँ पे n की क्या कंडीशन है। अब n की कंडीशन क्या है, लेस देन 0, n की वैल्यू लेस देन 0 क्या हो सकती है, n इज इक्वल टू माइनस 1, n इज इक्वल टू माइनस 1 को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो तो 2 रेज टू पावर माइनस माइनस 1, तो ये 2 आंसर आता है। 1/2 किस तरह आता है मुझे ये समझाओ भाई साहब, ये वो गलती की थी।
ये इंडेक्स की कंडीशन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं कि यहाँ पे माइनस एन लिखो, इसको मेरी मेरी बला से प्लस एन कर लो, ठीक है, लेकिन वैल्यू सही तरीके से सब्सटीट्यूट करो ना। एन की वैल्यू जब माइनस वन इसी को, इसमें एन की वैल्यू जब माइनस वन सब्सटीट्यूट करोगे तो बेटा ए रेस्ट पावर एन आएगा ना, तो टू रेस्ट पावर वन आएगा, तो यही वैल्यू इधर आएगी, तो ये टू आएगा। इसी तरीके से जब आप एन की वैल्यू बेटा जी सब्सटीट्यूट करते हैं माइनस टू, ठीक है, तो अब आपके पास फोर आएगी, तो ट्रेंड वही बनेगा जो कि आपने राइट साइड में बनाया है। इस तरीके से टू फोर एट, और ये आपके पास ट्रेंड आ रहा है, और ये क्वेश्चन था आपके उसके अंदर प्रॉब्ली क्विज के अंदर, ठीक है, जहाँ पे सिग्नल दिया हुआ था आप लोगों को, ये राइजिंग ट्रेंड है, ठीक है। ये पार्ट वन आ गया, पार्ट टू देखते हैं एक्स ऑफ टी, ये आपके असाइनमेंट के अंदर है, ठीक है, लेकिन इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हुई है ड्रॉ करते हुए, तो मैंने कहा चलो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्स ऑफ टी हमेशा की तरह सबसे पहले क्या करना है, एक्सिस बनाने, सबसे पहले जरूरी ये है कि एक्सिस बनाए जाए टी एक्स ऑफ टी। अब यार इसमें रेंजेस हैं वन से टू, टू से फोर, फोर से फाइव और अदरवाइज। मैं सबसे पहले ये वाली रेंज ड्रॉ करता हूँ विच इज टी ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड टी लेस देन टू। इसमें मेरे पास जो सिग्नल है वो क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी, ये मेरा सिग्नल है, जिसका मतलब ये है कि अगर टी की वैल्यू वन होगी तो एक्स ऑफ टी किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल ही होगा। अगर टी की वैल्यू लेस देन टू है, या लेट्स सपोज टी की वैल्यू 1.5 है, तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू भी 1.5 ही होगी, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह के मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग ये सिग्नल जरा ड्रॉ कर लो अपने पास जल्दी से, शाबाश, ऐसा करो तमाम लोग ये सिग्नल ड्रॉ कर लो पहले, चलो एक्स ऑफ टी इक्वल टू टी ये सिग्नल ड्रॉ कर लें अपने पास, फिर हम वापस आते हैं। सर लीनियर लीनियर, ठीक है, ये लीनियर सिग्नल है एक आपके पास टी टी, ठीक है। अब उसके बाद अगर किसी ने वैल्यूज लिखनी है लिख ले, अदरवाइज अंडरस्टूड सी बात होनी इस तरह अंडरस्टूड सी बात है कि ये चीज आएगी, लीनियर सिग्नल आएगा, और इसी तरीके से इसको ट्रेंड कर लो यहाँ पे, मसलन जहाँ पे वन है वहाँ पे सिग्नल की वैल्यू भी वन है, जहाँ पे टी की वैल्यू टू है वहाँ पे सिग्नल की वैल्यू भी टू आएगी, तो इस तरीके से ये लीनियर सिग्नल बनता है, ठीक है। अच्छा अब इधर आओ, अब यहाँ पे लीनियर सिग्नल कहाँ से शुरू हो रहा है, वन से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं अगर इसको मार्क कर लूँ जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव, क्योंकि वन से लेके फाइव तक जा रही हैं, आगे तो अदरवाइज। तो बेटा टी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन वन के ऊपर एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, तो मैं यहाँ पे वन लिख लेता, तो ये पहला पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, t इक्वल टू वन पे x ऑफ t इज इक्वल टू वन, सो एट t इज इक्वल टू वन x ऑफ t एम्पलीट्यूड इज वन, सो ये मैंने वन लिख दिया। अब उसके बाद लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वन से लेके लेस देन टू तक जा रही है, मसलन ये टू तक जा रही है, थोड़ा सा टू से पहले, ठीक है, और जब t अप्रोच करेगा टू को तो x ऑफ t की वैल्यू अप्रोच करेगी टू को, मैं यहाँ पे टू लिखता हूँ, तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो कहीं यहाँ करके आएगा, तो लीनियर इस तरीके से ये सेगमेंट है आपके पास, ठीक है, ये सेगमेंट आपके पास बनता है। ये पहला मैंने अभी सिर्फ ड्रॉ किया है, आई हैव ड्रॉन ओनली द फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इस रीजन को जो कि टू से लेके फोर तक है। जी जी पूछे सर, टी इज इक्वल टू वन आपने खुद सपोज किया बेटा, मैंने t इक्वल टू वन सपोज नहीं किया, मेरे पास ऑलरेडी कंडीशन गिवन है ना। देखो मुझे मुझे दो, जब भी आपने कोई सिग्नल ड्रॉ करना हो ना, उसकी एक आसान सा तरीका ये है कि आप उसकी दो एक्सट्रीम लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अब इसकी एक एक्सट्रीम लिमिट क्या है, ये है t इक्वल टू वन, ठीक है, ये लिखी है, और इसकी दूसरी एक्सट्रीम लिमिट क्या है, लेस देन टू, ये लिखी है। तो मैं दो पॉइंट्स निकाल लेता हूँ, मैं x ऑफ t मैं निकाल लेता हूँ x ऑफ वन, निकालता हूँ तो उसी तरीके से x t less than 2 is simply a value less than 2, ठीक है, मुकम्मल 2 नहीं है, 2 से थोड़ी सी कम है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हम 2 तक ले जाते हैं। तो मैंने ये दो पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, अब लीनियर सिग्नल है मेरे पास उसके दरमियान, तो दिस इज सिंपल प्लॉटिंग, सिंपल प्लॉटिंग, इस लेवल की प्लॉटिंग जो है
ये बेसिकली वो है जो अभी आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अब दूसरी लिमिट क्या है, दो से लेके चार तक, इसमें सिग्नल की वैल्यू क्या है, टू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है भाई साहब। तो यार कॉन्स्टेंट वैल्यू, अच्छा अभी सिग्नल आपका t इक्वल टू 2 पे ऑलरेडी 2 के ऊपर है, तो ठीक है 2 से लेके 4 तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करो। ये मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, दो से लेके चार तक मेरे सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, 2 है, बन गया। अब आते हैं तीसरे पे जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होगी, हालांकि नहीं होनी चाहिए। थर्ड पार्ट, माइनस फोर टी प्लस ट्वेंटी। अगेन मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 4 मिनिमम, तो इस इक्वेशन के अंदर डालो ना यार टी को 4 की वैल्यू। अगर मैं टी की वैल्यू 4 इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो एट टी equal to 4, the value of signal x of t is 4. अच्छा अब अगर मैं दूसरा पॉइंट डालूं which is 5, अगर मैं t की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो x of t की वैल्यू क्या आएगी, -5। किस तरह आएगी सर, 5 को इसके अंदर डालें ना इक्वेशन के अंदर, 0 आएगा। ठीक है, 5 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं -4 5 का 20 -20 प्लस 20 0। तो बेटा यही दो लिमिट्स है ना, 4 से 5 तक ड्रॉ करना है। अच्छा अब कुछ मामले यहाँ से शुरू कर, ओ भाई साहब सिग्नल की क्या वैल्यू है, 4 है, t इक्वल टू 4 पे सिग्नल की क्या वैल्यू 4 है, तो पहले बनाओ ना यार इधर 4, लेट्स से कि ये 4 लेवल है, ये 4 लेवल, तो t इक्वल टू 4 पे ये पहला पॉइंट है, सिग्नल की वैल्यू क्या है, 4 है, मैंने लिख दिया। t इक्वल टू 5 पे जो कि ये पॉइंट है, इसमें सिग्नल की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये उसका दूसरा पॉइंट है और फिर लीनियर है, तो ये एक सीधी लाइन, सॉरी क्योंकि मैं अब मेरे सीधी लाइन ड्रॉ हो नहीं रही, ये इस तरह सीधी लाइन आप ड्रॉ कर दें और ये आपका सिग्नल है सर सारा का सारा, ठीक है, ये आपका मुकम्मल सिग्नल है। अब कुछ लोगों ने उसको यहां से रेड के आगे से स्टार्ट किया है, गलत किया है, कुछ ने ये ब्लैक वाला पॉइंट 0 से स्टार्ट किया है, गलत किया है, ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर वे नहीं है। तो दो दो पॉइंट, ये पहला पॉइंट है इसका और दूसरा इधर खत्म होता है, ठीक है, रेड वाला जो है उसका पहला पॉइंट जो था वो इधर से शुरू होता था और इधर जाके खत्म होता था और ये उसका तीसरा चंक है। अच्छा अब अगर आपने ये मिला दिया है तो कोई इशू नहीं है, अगर कोई बच्चा इस तरह की चीज बना लेता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली अनडिफाइंड है, इस जगह पर सिग्नल जो है वो अनडिफाइंड नजर आता है आपको, लेकिन चले मैंने मिला दिया, अगर किसी ने स्टार्टिंग में इसको यहाँ से मिला दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट अगेंस्ट इट, ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इनको मिलाएं, ठीक है। सो ये आपका एक्चुअल सिग्नल इस तरीके से ड्रॉ होता था असाइनमेंट के अंदर जो आपके पास ये वाला है, आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है, ये सिंपल चीज से ड्रॉ, ये ग्रीन वाला पॉइंट दिखा दे सर, ग्रीन वाला सर हम दोबारा कर लेते हैं, बल्कि एक काम करते हैं हम ये नंबर 3 को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद आपसे दोबारा पूछेंगे, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर नहीं है तो वी विल अटेम्प्ट इट अगेन, मैं अलग से आपको प्रॉब्लम एक दे दूँ। जी जी बेटा पूछे सर, वो आपने जो भी सिग्नल ड्रॉ किया था 2 से लेके 4 तक उसमें वैल्यू 2 आई थी, लेकिन सर 4 तो इंक्लूडेड ही नहीं है ना उसके जो ऊपर डोमेन दी हुई है। अच्छा हाँ आपको ठीक है, ठीक देखिए, टी जो है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है ना, व्हेन आई से दैट द वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन 4, तो इसका मतलब t की वैल्यू 4 नहीं है, पर t तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, विच मीन्स दैट t कैन बी 3.9999 समथिंग लाइक दैट, एग्रीड। मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि t की वैल्यू ये हो सकती है, 4 नहीं हो सकती भाई, लेकिन t की वैल्यू 3.9999 हो सकती है, इसमें कोई कबाहत तो नहीं है ना कहने में, ठीक है। तो बेटा जब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ना तो इसी से मैं इसको तकरीबन 4 तक ले जाता हूँ, मैंने उसको यहाँ तो मेरा मतलब यहाँ तो उसको थोड़ा सा पहले खत्म कर दो, बट जर्नी हम करते ही हैं कि हम इसको 4 तक ले जाते हैं, अंडरस्टूड सी बात है। बस हाँ आपका जेन्युइन पॉइंट उसकी रीजन ये है कि अब अगर मैं इस जगह पे देखूं 4 पे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि सिग्नल की वैल्यू 2 है या सिग्नल की वैल्यू 4 है, क्योंकि आपने दो पॉइंट बनाए हुए हैं एक ही एक्सिस के ऊपर। बस मैं आपसे ये पूछूं कि x ऑफ t की वैल्यू मुझे बताओ है t इज इक्वल टू 4, तो आपको कहते यार ये तो 4 भी है और 2 भी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वैल्यू एक ही होती है,
ठीक है, एक सिग्नल एक टाइम पे एक ही वैल्यू अटेन करता है ना, दो तो नहीं करता, वन टू वन मैपिंग है ना। तो इस वजह से हम इक्वेशन में ये चीज लिखते हैं, मतलब अगर इक्वेशन में बेटा ये चीज लिखी होती ना, कंडीशन होती ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू लेस देन इक्वल टू फोर और ये, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि t इज इक्वल टू फोर पे सिग्नल की वैल्यू टू है और t इज इक्वल टू फोर पे सिग्नल की वैल्यू माइनस फोर टी प्लस ट्वेंटी भी है, विच इज नॉट ट्रू। इस वजह से यहाँ तो इधर से इक्वल टू का साइन खत्म करो, यहाँ पर इधर से इक्वल टू का साइन खत्म करो। हाँ, ड्रॉ करते हुए हम तकरीबन ओवरऑल फोर तक ले जाते हैं, रीजन बीइंग दिस कि 3.999 तो एग्जिस्ट करता है ना। इस वजह से प्लॉटिंग करते हुए हमें अगर इक्वेशन गिवन नहीं और हमने सही प्लॉट मसल फोर तक ले गया तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या थी। तो कीप थिंग्स सिंपल, आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी वैल्यू वहां तक ले जाया करें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको इक्वेशन गिवन होंगी, आपने इक्वेशन से प्लॉट करना है, ठीक है, आपने इक्वेशन से प्लॉट करना है। अदरवाइज अगर मैंने सिग्नल प्लॉट करके आपको देना होगा तो मैं आपको प्रॉपरली फोर से थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा या आपको मेंशन कर दूंगा प्रॉपरली। ये बात क्लियर हो गई है जिस किसी ने भी पूछी थी? अच्छा सर, अगर हमें ये प्रॉब्लम डिस्क्रीट टाइम में आ जाए तो इसमें आ जाता बेटा, मैं कह रहा हूँ अगर ये सेम प्रॉब्लम हमें डिस्क्रीट टाइम में आए फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा? डिस्क्रीट टाइम में कभी भी नहीं आएगी। डिस्क्रीट टाइम में ये वाला जो इशू जो आपको इशू यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इशू आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मसलन डिस्क्रीट टाइम में अगर आपके सामने ये कंडीशन आती है ना कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि n इज ग्रेटर देन 0 एंड इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4, ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ कि इस रेंज में सिग्नल की वैल्यू है 3 और इस रेंज में है सिग्नल की वैल्यू लेट सपोज 6, और अब मैं आपसे कहता हूँ कि एट n इज इक्वल टू 2 व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सिग्नल, तो क्या आंसर दोगे मुझे? हाँ भाई, सिक्स क्यों, थ्री क्यों नहीं सर? थ्री होगा। अब प्रॉब्लम समझ आ रही है, थ्री भी हो सकती है सिक्स भी हो सकती है, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन गलत दी है मैंने आपको। या तो मैं यहां से इसको खत्म करूं इक्वल टू साइन को, या मैं ऊपर से इक्वल टू साइन को खत्म करूं। एन की वैल्यू मेरा मतलब है दो, एन द वैल्यू ऑफ एन एट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू टू कुड बी थ्री कुड बी सिक्स, दिस इज नॉट पॉसिबल ना बेटा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, एक्सप्रेशन गलत है, ठीक है। या तो एन ग्रेटर देन टू है या यहाँ पे एन लेस देन टू है, तो दोनों में से एक चीज वैलिड है। तो इस वजह से एक सिग्नल की दो वैल्यू दो इंस्टेंट पे, एक सिग्नल एक टाइम इंस्टेंट पे या एक इंडेक्स वैल्यू पे दो वैल्यूज अटेन नहीं कर सकता सर जी, ठीक है। इस वजह से ये आप सिंपल मुझे कहेंगे कि सर ये आपने कोई नहीं गलत की है, यहाँ पे यहाँ से तो देख के लगता है कि मसलन अगर इक्वल टू आ गया तो मैंने पूछ लिया तो आपको कि सर एन इज इक्वल टू पे थ्री भी नजर आ रही है, एन इज इक्वल टू पे सिक्स भी नजर आ रही है, विच मीन्स दैट दिस इज रॉन्ग, तो इक्वालिटी गलत है। पार्ट थ्री सॉल्व करें, आप लोग खुद बनाए, शाबाश, ऊपर चला के पार्ट थ्री आप लोग खुद बनाए और मुझे बताएं क्या चीज बनती है। सबसे पहले हमेशा की तरह लेबल t और x of t और उसके बाद रेंजेस डाल के जल्दी से सिग्नल ड्रॉ करो और बताओ शाबाश। अगर तुम ये ड्रॉ कर लोगे तो पीछे जिसका क्वेश्चन था माइनस फोर टी प्लस ट्वेंटी वाला वो भी क्लियर हो जाएगा। करें शाबाश, मेरे लिए हमेशा बेहतर होता है कि मैं रेंज बना लूं 0 से 3, तो मैं लिख लेता हूं यार ये 0 पॉइंट है और यहां तक 3 है। अच्छा, और ये लीनियर ही कोई है ना, इसमें कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही, तो मुझे पता जो भी लाइन होगी अगर दो पॉइंट्स आ गया तो उसके दरमियान सीधी लाइन है, तो दूसरी 0 से माइनस होगा। हां भाई, अल्लाह का कोई बंदा मुझे ड्रॉ करवाएगा ये पहला पार्ट, ये 0 से 3 वाला पार्ट कोई बंदा बच्चा मुझे ड्रॉ करवाएगा। अच्छा एक मिनट,
जी क्या है जी एम्पलीट्यूड क्या है किससे किसके दरमियान सर जीरो और थ्री के दरमियान सर टू है क्या एम्पलीट्यूड है टू सर टू अच्छा अगर तो जो बात आप कर रहे हो एम्पलीट्यूड टू है तो ये सिग्नल बनता है फिर ऐसे ही है yes, ठीक sir. है अच्छा अब की है ना गधों वाली बात और अब क्यों की है वो sorry, मैं तुमसे पूछता हूँ एक मिनट जरा ये बेटा तुमने जवाब देना है t is equal to zero के ऊपर x of t की क्या वैल्यू है बताओ सर टू टू और t is equal to three के ऊपर x of t की क्या वैल्यू है सर थ्री सर माइनस वन सर प्लस माइनस वन सर मुंडे नू गल करन दे हो मुंडे नू गल करन दे हो बीबी अजय तुसी मेरा मतलब है इंटरनेशनल डे वुमन डे मना के आए हो थोड़ा जे हौसला रखो मुंडे नू गल करन दे हां वे लड़के माइनस वन माइनस वन तो ये सीधी लाइन किधर आ गई फिर जिसे सर ये नीचे की तरफ हो जाएगी सर हाँ तो मेरी जान ड्रॉ कर ले अब जल्दी से शामिल ड्रॉ कर ले हाँ भाई बेटा जी जो बच्ची पहले बोलना चाह रही थी अब वो मुझे सिग्नल ड्रॉ करवाएगी एक मिनट जी बेटा जी जो आप बात करना चाह रहे थे बार बार अब आप बोलो सर जीरो पर टू है वन पर वन है टू पर जीरो है और थ्री पर माइनस वन है ठीक है मुझे कंप्लीट सिग्नल ड्रॉ करवाएं जीरो पर टू है और थ्री के ऊपर क्या है वैल्यू माइनस वन माइनस वन तो मैं एक यहाँ पे भी ये माइनस वन लिखता हूँ ये माइनस वन इस साइड पे है ये टू है ठीक है एक पॉइंट ये है आपके पास और एक पॉइंट आपके पास ये जीरो पे टू ये पहला पॉइंट और थ्री के ऊपर माइनस वन ये दूसरा पॉइंट तो अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने सिंपल एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है ठीक है अच्छा और ये किस टाइम इंस्टेंट के ऊपर जीरो को क्रॉस करेगा एट टी इज इक्वल टू टू मतलब अगर मैं ये कह दूं कि ये पॉइंट जो बेसिकली टू होगा तो ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे ठीक है ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पे t इक्वल टू टू सब्स्टिट्यूट किया ना तो मेरे पास माइनस टू प्लस टू एक्स ऑफ t की वैल्यू जीरो आएगी ऐसे तो ये मैंने सिग्नल बना लिया अब कोई बच्चा मुझे जल्दी से ये बताएगा कि ये जो रेंज है इसमें सिग्नल किस तरह ड्रॉ होगा सर माइनस टू से जीरो तक लाइन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल थ्री की एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो पहले यहाँ पे थ्री मेंशन कर लो टू से ऊपर ही आएगा ना थ्री और फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो इसकी ये सिग्नल है आपके पास ये एक्स ऑफ टी आपके पास ड्रॉ हो गया ठीक है जी चलो भाई नंबर फोर करो जल्दी से नंबर फोर और मेनू को मुंडा ड्रॉ कराएगा हूँ ये नंबर फोर ड्रॉ करो अपने पास जल्दी से और फिर मुझे बताओ किस तरह का सिग्नल बनता है एक्सक्यूज मी सर जनाब सर ये जो आपने सिग्नल बनाया इसमें रेंज में ये जो है थ्री जिसपे माइनस टू लेस देन इक्वल टू टी लेस देन जीरो इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है रेंज में तो हम जीरो पे थ्री का सिग्नल बनाएंगे अच्छा चले आप अपनी ईज के लिए थ्री को इसको थ्री के साथ ना मिलाएं थोड़ा सा यहाँ से शुरू कर लें आप यहाँ से शुरू कर लें अदरवाइज बेटा अगर आप इसको इस तरह थ्री मिला भी देते हैं तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि यार या इस जगह पे ही वैल्यू पीछे है थोड़ी सी या इस जगह पे थोड़ी सी वैल्यू पीछे है सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ इन दिस क्योंकि मसला पता है क्या है मसला ये है कि फिर आधी वाम से इधर से शुरू करेगी कोई इधर से शुरू कर देंगे इधर से शुरू कर देंगे विच विल मेक प्रॉब्लम फॉर मी असेसमेंट के दौरान कि इनको सिग्नल ड्रॉ करना आता था कि नहीं आता था इस वजह से आप बिला झिझक एक्सेस से स्टार्ट कर लिया करें ये मेरा काम अंडरस्टूड करना है कि स्टूडेंट जो है वो बेसिकली पॉइंट थोड़ा सा पीछे है सो दैट इज फाइन ये बात क्लियर होगी यस सर थैंक यू ऊपर वाले में भी थ्री इंक्लूड नहीं था सर क्या वो बेटा दोबारा पूछे ऊपर वाले इंटरवल में भी थ्री इंक्लूड नहीं है सर हां ऊपर वाले कर में भी थ्री इंक्लूड नहीं है बिल्कुल ठीक है सर ड्रा हो गया अच्छा ड्रा हो गया हां भाई लड़के एक मिनट एक मिनट चल भाई बता क्या ड्रॉ किया सर
जीरो पे माइनस वन एम्पलीट्यूड है, वन पर वन एम्पलीट्यूड हो जाएगा, सर टू पे जीरो से फोर तक रेंज है तो मैंने चार बना लिया, माइनस टू से जीरो, जीरो माइनस वन माइनस, ठीक है। हाँ भाई बॉय, अब लिखवाओ जीरो पे क्या वैल्यू है, माइनस वन, माइनस वन, तो सिग्नल नीचे की साइड पे ड्रॉ करना है इस तरीके से, माइनस वन साथ लिख दिया। आगे चलो, वन पे वन आएगी सर, वन पे वन है, ठीक है, टू पे थ्री, टू पे क्या, थ्री पे, यस सर, वन पे वन है और टू पे थ्री है, ठीक है, थ्री, थ्री पे फाइव, थ्री पे फाइव, फोर पे सेवन, फोर पे सेवन, ठीक हो गई सर, माइनस वन पे माइनस टू, और माइनस टू पे भी माइनस टू, माइनस टू, ठीक है, माइनस टू पे, माइनस टू, माइनस टू पे क्या आ रही है, माइनस टू, माइनस टू आएगी, कांस्टेंट है, अच्छा माइनस टू ही है, सॉरी, ठीक है, ये माइनस टू, ये यार सिग्नल तुम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, खत्म हो गई, बाकी सारी जगहों पर जीरो है। ये रेंजेस डाल दो, एन इज इक्वल टू जीरो पे डाल दिया, वन डाला, टू डाला, थ्री डाला, फोर डाला और चेक कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से जीरो डाली, माइनस वन वैल्यू, माइनस टू वैल्यू डाली और देख लिया कि ये तो कांस्टेंट है, माइनस टू है तो स्ट्रेट लाइन बना दी, माइनस टू की माइनस टू बना लिए और खत्म। ये आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। अब एक छोटी सी चीज है जो कि आई डाउट कि आप में से कुछ लोगों को शायद क्लियर नहीं, ओके, मुझे कोई स्टूडेंट बताएगा कि एक्स थ्री की क्या वैल्यू है, इस सिग्नल में एक्स थ्री की क्या वैल्यू है, फाइव सर, फाइव, ये बात अगर किसी को नहीं क्लियर तो वो मेरे से अभी पूछ ले, क्योंकि मैंने एक ऐसी असाइनमेंट देखी है जहां पे स्टूडेंट ने ये गलती की हुई है। बेटा ये इंडेक्स है थ्री, जब आप इस तरह लिखते हो तो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स एट एन इक्वल्स टू थ्री वो क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स एट एन इक्वल टू थ्री, ये इंडेक्स के ऊपर सिग्नल की क्या वैल्यू है जो कि ये लिखी है फाइव। इसी तरीके से अगर मैं किसी से ये पूछूं कि x माइनस वन की क्या वैल्यू है तो इसका क्या आंसर है, माइनस टू सर, माइनस टू, माइनस टू सर, माइनस टू सर, इसका मतलब है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x एट n इज इक्वल टू माइनस वन जो कि ये सैंपल वैल्यू लिखी है माइनस टू। ये आप मुझसे कुछ हजरात ने सिग्नल के अंदर ये गलती की है, अनफॉर्चुनेट, पता नहीं थ्री की जगह पर नाइन लिखा है कि क्या किया, इसको स्क्वेयर करते रहे हैं या क्या करते रहे हैं, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है उन्होंने बेसिकली क्या किया। अच्छा अब हम आपसे एक दो सिग्नल ड्रॉ करवा और फिर लेक्चर को चले, एक काम करें ये सिग्नल ड्रॉ करें सबसे पहले, अच्छा चलो बेटा ये सिग्नल ड्रॉ करो जल्दी, फिर ये ड्रॉ करो, चलो ये तीन सिग्नल दे रहा हूँ,
हाँ भाई नंबर वन एक्शन जी बेटा बताएं सर जो पहला वाला है उसमें पहले तो ओरिजिन से लीनियर लाइन पास करेगी कितना इसमें माइनस वन से पास करेगी इसमें लाइन कहाँ से पास करेगी माइनस वन से ओके एक नहीं करेगी क्या वो बच्चे सर माइनस वन फिर वन आएगा देन सो ऑन अच्छा टी इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू है माइनस वन सर माइनस वन ये पहला मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया टी इक्वल टू वन पे क्या वैल्यू है जीरो ये पॉइंट है टी इक्वल टू वन पे वैल्यू क्या जीरो टी इक्वल टू टू पे क्या वैल्यू है और अब मुझे ये बताओ कि t is equal to minus one पे क्या वैल्यू है ठीक है तो बेसिकली जो लाइन पहले ओरिजिन से पास करती थी वो अब बेसिकली पास कर रही है वन से तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आपको ठीक है चले अगला पार्ट ड्रॉ करें जल्दी से सर अगले में वन पे वन आ जाएगी टू पे फोर आ जाएगी थ्री पे नाइन आ जाएगी और जीरो पे जीरो पे जीरो 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 पे जीरो जीरो आएगी वन पे वन टू पे फोर फोर और थ्री पे नाइन और दूसरी साइड पे सर उधर भी माइनस वन पे वन पॉजिटिव चलेगा पॉजिटिव हो जाएगा बिल्कुल ठीक है ऐसी चीज को मान लीजिए इधर ठीक हो गया गुड और ये डॉट डाल देना तीन के ठीक है यार सिग्नल आगे भी था लेकिन उसका ट्रेंड मैंने बता दिया कि कुछ पता पड़ेगा चलो ये ड्रॉ करो x of t = -3 सर ये माइनस 3 पे 3 आ जाएगी सर ये नीचे माइनस 2 पे 2 और माइनस 1 पे 1 0 पे 0 वर्टिकल लाइन बनेगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कुछ पहले अगर इस तरह आती थी तो अब इस तरह की आ जाएगी ऐसे ही सर मिरर बन जाएगा मिरर बन जाएगा ये चीज बन ठीक हो गया अच्छा अब टाइम है ये दो सिग्नल है इन दोनों सिग्नल को ऐड करके जो फाइनल सिग्नल बनता है वो ड्रॉ करो चलो दो सिग्नल है एक ये y ऑफ n है इसको y ऑफ n कहते हैं y ऑफ n है और एक ये x ऑफ n है जिसकी डेफिनेशन ये है तो मेरे पास एक तीसरा सिग्नल है z ऑफ n विच इज द सम ऑफ दीज टू सिग्नल्स मुझे z ऑफ n ड्रॉ करके बताना है किस तरह का बनेगा चले करें सर माइनस वन और वन के दरमियान में थ्री तक थ्री आएगा और वैसे वन आएगी एंट्री के हाँ जी माइनस वन और वन के दरमियान क्या आएगा थ्री बिल्कुल ठीक है और बाकी तमाम जगहों पे अदरवाइज वन अदरवाइज वन सर ये लो ठीक हो गया ये एम्पलीट्यूड इसके थ्री है बाकी वन है दो सिग्नल को ऐड किया अच्छा अगर इसको ऐड कर लिया तो फिर जरा इसको ऐड करके दिखाओ कि क्या बनता है
एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी विच इज, चलो आसान रखता हूँ टी, और दूसरा सिग्नल है मेरे पास एक्स ऑफ टी टू, और दूसरा सिग्नल है वाई ऑफ टी टू. फाइंड आउट और ड्रॉ जेड ऑफ टी विच इज एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी. करें ड्रॉ करें दोनों को अलग अलग और दोनों को ऐड. सर ये जीरो पे टू आएगा सर, टू टू ऐड होता जाएगा. हाँ जी टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू आएगी? जीरो पे सर टू आएगा. तो मैं ये पॉइंट बना लेता हूँ टू. टी इज इक्वल टू वन पे क्या वैल्यू आएगी? थ्री आएगी. तो ये पॉइंट में आ गया थी, ठीक है. और इसी तरीके से ट्रेंड फॉलो होगा. तो ये बेसिकली इस तरह एक लाइन आ गई. तो टी के अंदर बेसिकली एक डीसी शिफ्ट आ चुका है. जो लाइन पहले जीरो से गुजरती थी वो अब गुजर रही है टू से. तो एक डीसी शिफ्ट इसके अंदर है, ठीक है. अच्छा अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि ड्रॉ करो ये z of t given है, draw 2z of t करो, तो क्या करेंगे सर? एम्पलीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की जगह 4 आ जाएगा जीरो पे. वेरी नाइस. जो ये एम्पलीट्यूड 2 पे है इस एम्पलीट्यूड को ले जाना 4 पे और बाकी सारी चीजें उसी तरीके से चेंज हो जाएंगी, ठीक है. दिस इज एम्पलीट्यूड मल्टीप्लीकेशन 2 into 0. ये एक एम्पलीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया. चलो यार अब जो मेरे दोस्त ने मुझे कहा था अब वो ड्रॉ कर. ड्रॉ दिस सिग्नल ओनली. अब मैं जानबूझ के लिमिट्स चेंज करता हूँ. लेट्स टेक देम फ्रॉम माइनस टू टू. चलो जीरो अदरवाइज ये सिग्नल ड्रॉ कर लो. हाँ भाई दोस्तों क्या ड्रॉ कर रहे हो? मैंने रैंडम भी बता दिया. माइनस टू पे आएगा 28. माइनस टू पे क्या आता है? 28. आप अच्छा चलो हम कहते हैं ये 28 है यार, ठीक है ये 28 है. तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है. आगे बताओ. माइनस वन पे. माइनस वन पे 24. माइनस वन पे क्या आता है? 24. माइनस वन पे आता है 24. तो हम थोड़ा सा सिंपल आते हैं. चलो ये पॉइंट ठीक हो गया. आगे बताओ. जीरो पे. जीरो पे 20. बिल्कुल ठीक है. तो ये हम कहते हैं ये 20 है. दिस इज 20. दिस इज 24. तो ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक हो गया. आगे वन पे 16. वन पे 16. तो ये इसी तरीके से तीन ईयर नीचे आ रहा है. और अगला पॉइंट सिग्नल एक्स ऑफ टी वैल्यू विल बी जीरो. Is zero. So, ये जो origin से पास करेगा ना ये जो वैल्यू होगी जो पास कर रही है 5 होगी. इस तरीके से अगर मैं प्रॉपर बनाऊं कर तो ये बनता है.
ओके सो आई होप कि आप थोड़ी सी प्लॉटिंग प्लॉटिंग अगर किसी को कंफ्यूजन थी तो वो बेहतर हो चुकी होगी अब. और अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो वैसे अभी क्वेश्चन पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, अदरवाइज सर वो एडिशन वाला बता दीजिए. कंटीन्यूअस टाइम के डिस्कस करूं या डिस्क्रीट टाइम? कंटीन्यूअस टाइम डिस्कस कर लें. चले सारी बातें छोड़ें, सिग्नल ड्रॉ करने तो अब आपको आने चाहिए. मैं डायरेक्ट सिग्नल बनाता हूं और कहता हूं ऐड करो दोनों. लेट्स सपोज मेरे पास एक सिग्नल ये है और ये जो पॉइंट है दिस इज वन, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि इस सिग्नल को ऐड करें इसके अंदर जो कि ये है. आंसर क्या आएगा? सर पैराबोला की सब पॉइंट्स में 4 ऐड हो जाएगी और उसके ऊपर पैराबोला बन जाएगा, 5 पे आएगी सर. बिल्कुल ठीक है, यही सिग्नल दोबारा बनाऊंगा ये वाला, बट दिस टाइम ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट विल बी एट 5. ये कांस्टेंट लेवल है, दिस इज अ डीसी फंक्शन, ये कांस्टेंट लेवल है. ये जो 1 है इसका लेवल उठा के ले जाएगा 4 के ऊपर, बाकी सारा सिग्नल उसी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा. तो दिस इज बेसिकली शिफ्टिंग अप एंड शिफ्टिंग डाउन. अच्छा सर एम्पलीफिकेशन कहते हैं? सॉरी इसको एम्पलीफिकेशन तो नहीं कहते? इसको एम्पलीफिकेशन भी कह सकते हैं, यस यू कैन एक्चुअली कॉल इट एन एम्पलीफिकेशन. आपने सिग्नल के जो एम्पलीट्यूड है वो सारे के सारे बढ़ा दिए. अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दो सिग्नल्स को ऐड करें चलो एक सिग्नल ये है और दूसरा सिग्नल है इसकी. अब चलो मुश्किल करते हैं, थोड़ा मुश्किल करते हैं. ये है -2, 0, 2, ये इसकी रेंज है और इसका वैल्यू 2 है, ठीक है. और मैं एक सिग्नल और बनाता हूँ सी, ये मेरा दूसरा सिग्नल है एंड दिस गोज फ्रॉम -1 to 1 and its amplitude is also 2. इन दोनों को add करने से जो signal बनता है वो draw कर लो. हाँ जी सर 0 पे तो 4 आएगा. और -1 और 1 पे 3 आएगा. फर्स्ट वाला सिग्नल ही आएगा. कौन सा सिग्नल आएगा सर? जो फर्स्ट वाला है, क्योंकि सेकंड सर फर्स्ट वाला जो माइनस माइनस पे 0 आता है तो 0 में जब हम 2 ऐड करेंगे जो फर्स्ट वाले सिग्नल में है तो वो 2 ही आएगा, ठीक है. और सर लेकिन माइनस 0 की वैल्यू वैसे ही उसका ट्यूब 2 सर ये माइनस ये -2 पे 2 ही आएगा और -1 से जो है ना वो 0 तक 4 चला जाएगा. 0 तक रैम बनेगा फिर आगे -1 तक भी रैम बनेगा इस तरह. बिल्कुल ठीक है, ये मैंने सिग्नल ड्रॉ कर दिए कुछ इस तरह की चीज पड़ती है, ठीक है. ये पॉइंट अगर आपने ड्रॉ करने हैं कर दें, अदरवाइज ना फिट कर सकते. सो अगेन दिस इज द सेम थिंग, ये कांस्टेंट लेवल है 2 का, कांस्टेंट लेवल है 2 का. जानबूझ के यहां पे इस तरह डब्बा बना दिया, ठीक है, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकूं. ये बेटा कांस्टेंट लेवल ही है बेसिकली, ठीक है. इसका मतलब सिग्नल -2 से 2 तक है और ये आपके पास सिग्नल आ गया. उसके बाद सिंपली मैंने इस कॉन्स्टेंट सिग्नल के अंदर ये वाला सिग्नल ऐड किया है तो ये शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होके अप चला जाएगा. तो ये एक डीसी लेवल है 2 का. अब ये पॉइंट 4 पे है, ये पॉइंट उसी तरीके से 3 पे आएगा, ये पॉइंट 2 पे है. तो दैट्स इट, सिंपल एडिशन है सिग्नल्स की जो है. सो विद दिस वी विल conclude the optional lecture. Okay. Sir, transformation की भी एक example करा दें. Transformation की example. Okay. अच्छा चले transform. आप लोग assignment जमा करवा लें. मैंने assignment total जो है वो discuss करनी है आपके साथ.
बजाय इसके कि मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करूँ, वंस यू सबमिट दी असाइनमेंट मैं असाइनमेंट का सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूँ। और अभी तक जो 30-35 मैंने जो अभी सर लास्ट टाइम पर चेक की थी 30-35 जो असाइनमेंट सबमिट हुई है वो सारी गलत है, और ये इन्फॉर्मेशन कोई एक ही असाइनमेंट ऐसी नहीं है जिसका पूरा सोल्यूशन ठीक हो पूरी का पूरे कमांड का सोल्यूशन। तो आई विल लीव यू गाइस विद दिस नोट। आदि वहाँ में मैंने एक मैसेज छोड़ा था टीम्स के ऊपर ना, जिसकी रीज़न थी कि मुझे लगा कि आप लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट अ राइट ट्रेंड। तो वो मैसेज पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, टीम्स के ऊपर एक मैसेज था शायद, मैं आप लोगों को शो करता हूँ। ओके लेट मी क्लोज दी रिकॉर्डिंग फर्स्ट, बिकॉज़ आवर लेक्चर इज